बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना सीखेंगे। आपके सामने ट्रायल बैलेंस है। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ TO1 एज एट 31 मार्च 2012। ड्रॉ अप अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। जैसा कि हम इसका इनकम स्टेटमेंट बना चुके हैं और हम इसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे। इसमें ये हमें डेटा दिया गया है ट्रायल बैलेंस। इसमें से हम एसेट्स को लाइबिलिटीज में से लेस करेंगे और हमारे पास नेट एसेट्स आ जाएंगे और फिर हम कैपिटल साइड को सॉल्व करेंगे। आइए हम देखते हैं। ये सबसे पहले हम देखेंगे स्लाइड को जिसमें हमने इनकम स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट निकाला था। उसमें पहली स्लाइड थी जिसमें हमने सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था। इसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी हमने फाइंड आउट किया था और उसमें से जब कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास आ गई उसको हमने सेल्स में से लेस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था। उसके बाद हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, उसमें से सारे एक्सपेंसेस को लेस करके हमने नेट प्रॉफिट निकाला था। जैसा कि हमें नज़र आ रहा है, सबसे पहले हम ओनर का नेम लिखेंगे TO1 एंड देन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और देन इसका डेट लिखेंगे एज एट 31 मार्च 2012। उसके बाद हम एसेट्स लेंगे। में सबसे पहले होंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हमारे पास कैश इन हैंड है 276। उसके बाद है कैश एट बैंक, दैट इज 31,420 और उसके बाद है इन्वेंट्री 58,440। ये हमारे पास जो इन्वेंट्री होती है इसको क्लोजिंग इन्वेंट्री जो होती है जो 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 कि ट्रायल बैलेंस के बाहर होती है बाद आती है उसको लेते हैं, क्योंकि ये अनसोल्ड इन्वेंट्री होती है, अनसोल्ड स्टॉक होता है, ये हमारा एसेट होता है, इसलिए हम इसको करंट एसेट्स में लेते हैं और ये करंट एसेट्स में आती है। उसके बाद है हमारे पास अकाउंट्स रिसीवेबल, दैट इज़ 45,900 और हमारे पास जब हम इन टोटल करेंगे इन करंट एसेट्स को हमारे पास टोटल करंट एसेट्स आ जाएंगे 136,036। इसके बाद हम फिक्स एसेट्स लेंगे। फिक्स एसेट्स में हमारे पास सबसे पहले है बिल्डिंग, दैट इज़ 125,000। उसके बाद है फिक्सचर्स, दैट इज़ 1,106। टोटल हमारे फिक्स एसेट्स आ जाएंगे 126,106। जब हम इन दोनों को करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स यानी फिक्स एसेट्स को हम प्लस करेंगे हमारे पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे, दैट इज़ 262,142। इसमें से हम लाइबिलिटीज़ को लेस करेंगे, चूँकि हमारे पास नीचे स्पेस नहीं है तो हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में ले जाएंगे। टोटल एसेट्स लेस टोटल लाइबिलिटीज़ में हमारे पास अकाउंट्स पेबल हैं, दैट इज़ 24,870। इसमें से हम जब लाइबिलिटीज़ को लेस करेंगे टोटल एसेट्स में से तो हमारे पास आ जाएंगे नेट एसेट्स, दैट इज़ 237,272। इसके बाद हम कैपिटल साइड को लेंगे। इसमें सबसे पहले आएगा ओपनिंग कैपिटल, बैलेंस कैपिटल बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2011। इसमें हम प्रॉफिट ऐड करेंगे जो कि हमने नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर निकाला था। उसमें इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास नेट प्रॉफिट आया था, दैट इज 64,076। जब हम दोनों को ऐड करेंगे ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट को हमारे पास आ जाएगा 274,592। इसमें से हम ड्राइंग को लेस करेंगे, ड्राइंग हमारे पास है क्वेश्चन में दी गई 37,320।
और जब हम इसमें से लेस करेंगे ड्राइंग्स को, हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल ऑन 31 मार्च 2012। अब हम देख रहे हैं जैसा कि नेट एसेट्स और क्लोजिंग कैपिटल इक्वल हैं, तो इट मींस कि हमारा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस है, इट इज करेक्ट बैलेंस शीट आर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसका पुराना नाम बैलेंस शीट भी था।